जगदवंद स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। जगदवंद स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। आचार्य तुलसी परिचय है एक परिव्राजक जैन संत का, अनवरत आंदोलन के प्रवर्तक का। तुलसी शताब्दी वर्ष का आयोजन एक अवसर है उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की रश्मियों से आलोकित होने का। आचार्य तुलसी कहते हैं, पार पहुंचने का मार्ग है सेवा और समर्पण, त्याग और बलिदान। बिना रुके, बिना झुके, बिना थके बढ़ते रहें आगे और आगे, संयम के पथ पर, साधना के पथ पर। यही है भव्य भिक्षु शासन का मंत्र। हे प्रभु, यह तेरा पंथ। आज हम चला के साथ में उठाना है, इनको आज हमारा आतिथ्य करना पड़ा है। पत्र बिछाना, ये सब तैयार करना, शाम का निर्णय करना था, इनकी आज इनके दिन में था। कहाँ हमको बिठाएंगे, कहाँ साधुओं में बिठाएंगे, कहाँ साधना बैठेगी, क्या व्यवस्था होगी, लाइन कैसे होगी। आज समुद्र जी मैंने छोड़ दिया हमने, हम तो आए, उन्होंने कहा वहाँ बैठ गए, कहेंगे तो चले जाएंगे। क्योंकि आप जानते हो आखिर आजकल इनका कुछ सही चावल है। सही चावल भी एक बल है अन्य अन्य बलों में। हमारे यहां तो संघ कोई बात नहीं है, हमारे यहां एक ऐसी चीज है कि सबका समर्पण संघपति के प्रति, संघ के प्रति एक ऐसा विलक्षण है। इसमें कोई संख्या की चिंता नहीं, कमी चिंता नहीं, ज्यादा की चिंता नहीं, सब समान है। ये तो एक विरोध की भाषा में हम कह दिया करते हैं, संख्या वाले इनके पास में है। और आज आज का प्रसंग चतुर्दशी तिथि का कारण है। हाजरी ये दयाचार्य के सूद रूप का परिणाम है। दयाचार्य नहीं होते तो स्वामी जी की मर्यादाए और लेखक पुस्तकों में बने रहते, पन्नों में बने रहते, कभी बात के आराम बन लेते। दयाचार्य की ऐसी सूद बूझ है जिसे सारे लेखक, सारी स्वामी जी की मर्यादाएं, स्वामी जी के गीत चौपाइयां सब सहज रूप में काम में आ गई और उनकी रचना हाजरी के रूप में हो गई। और हाजरी एक पति का कौशल बन गया जिसमें सबकी हाजरी होती है। हाजरी तो सबकी हो और इस प्रोग्राम का नाम हो गया हाजरी। और इसमें आज का जो प्रवचन है संघ का अंतरंग प्रवचन होता है, संघ की गतिविधि की जानकारी, संघ की मर्यादा और जानकारी और संघ की सारी क्या स्थिति है वो आज के दिन बताई जाती है। संघ में केवल साधु साध्य नहीं, श्रावक साध्य संघ में है, सबका संघ है, एक का संघ हो नहीं सकता। एक पागे से दो पायों से पिलंग बन नहीं सकता, चार पाए हो तो भी पिलंग बन सकता है। साधु साध्वियां श्रावक और साविकाएं चार संघ मिलने से ये संघ का एक बड़ा पिलंग बनता है। सबको शिक्षाएं आज मिलती है। सबसे पहले साधु साध्य को है, सब साधु साधियां पंच महाव्रत पंच समिति तीन गुप्ते की अखंड आराधना करें। सबसे पहली शिक्षा यह है, पहली शिक्षा यह है कि साधु साधियां अपने मूल धन की सुरक्षा करें, अभिवृद्धि करें, संगोपन करें। अपना मूल धन क्या है, पंच महाव्रत है, उसकी सुरक्षा के लिए
पांच समितियां जिन गुप्ति है, महापुरुष समिति गुप्ती, इनकी अखंड आराधना करना, ये हमारा जीवन है, ये हमारी चर्या है, ये हमारा संयम धन है। क्योंकि जिस दिन हम स्वीकार करते हैं महापुरुषों को, किस लिए करते हैं, इसका उद्देश्य दसवीं सूत्र में चिदंबर स्वामी ने बताया है, इत्ययम पंचमहत्वयाम राय भोजन बिरमा छठाए अत्ताए वह संप्रजितानम बियरानी। साधक महापुरुषों को स्वीकार करके कहता है, मैं इनको क्यों स्वीकार करता हूं, पार महापुरुषों को और आपके भोजन बिरमा व्रत को, अत्ताए किसी को रोग दिलाने के लिए नहीं, किसी की श्रद्धा पाने के लिए नहीं, भक्ति भाव का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, किस लिए मैं साधु बनता हूं, किस लिए महापुरुषों को स्वीकार करता हूं, इसका उद्देश्य आगम में आया है, अत्तहियत्थाय, अत्तहियत्थाय आत्महितार्थम, केवल आत्महित के लिए मुख्य उद्देश्य इसका यह है। हम बाबत पालते हैं रात किसी दूसरे को नहीं मिलता, हमको खुद को मिलता है, आत्मा हमारी उद्योग होती है, आत्मा हमारी पवित्र होती है, आत्मा का शोधन हमारा होता है, इसे हम सर्वन बनते हैं। दूसरे लोग हमारी भक्ति करे नहीं करे उसे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, हमारी आत्मा तो हमारी साधना से ही ऊंची उठेगी, उसकी पूज्यता होगी। इस बात को हम कभी नहीं भूलें कि पंच महापुरुषों को जिस उद्देश्य से हमने स्वीकार किया है, इसी उद्देश्य से उसका हम पालन करें। दाये श्रद्धाए लिखन तो पर्याय स्थानमतम तमेव अनुपालिता, जिन जिस श्रद्धा से पर्याय स्थान उत्तम संयम स्थान को हमने स्वीकार किया है, उसी बढ़ती चढ़ती श्रद्धा से उसका आजीवन पालन करें। बीच में रुक जाना, थक जाना, गिर पड़ना, हाथ पर तोड़ लेना, ये सफलता की सूचना नहीं है। सफलता की सूचना यह है किसी भी हालत में अपने आप को पार तक पहुंचा देना, ये सफलता की स्थिति है। हम असफलता की कल्पना न करें, कामना न करें, हम तो सफल होने की कामना कल्पना करते हैं और सफल हो रहे हैं। यही कारण है इस धर्म संघ में सैकड़ों सैकड़ों हजारों साधु और साधवियां आए रहे, साधना की कल्याण कर गए, शहीद हो गए, ये हमारी कल्पना है, ये हमारी कामना है। तो सबसे पहली शिक्षा है इस अमूल्य संयम धन को हमने पाया है, इस धन की सुरक्षा करें, इसका संगोपन करें। दूसरी बात, इसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी सुरक्षा के लिए समिति गुप्ति की जो चीजें हैं उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। आप जानते हो प्रमाण बहुत बड़ा तत्व है, किन प्रमाण बहुत कम काम आता है, नहीं ज्यादा काम आता है, एक एक वस्तु की एक एक अंग को डालने में नहीं काम आएगा, प्रमाण वस्तु का सर्वांगीण ज्ञाता होता है और लय एक एक अंग का ज्ञाता होता है। तो साधु बल है उसमें समिति गुप्तियां बहुत काम आती है, ये लय कितने है, चले तो कैसे चले, संयम से चले देख देख के चले, बोले तो कैसे बोले, संयम से बोले मिठ और मधुर बोले, खाए तो कैसे खाए, ऐसा सिखाए। ऐसा का मतलब गवेषणा, ग्रहणेषणा, परिभोगेषणा, ये शब्द भी हमारी पारिभाषिक है, शब्दों को याद रखना चाहिए। गवेषणा का मतलब क्या, जांच करके और खोज करके विचार पूर्वक पार को ग्रहण करें। ग्रहणेषणा, जिस समय दूसरे के घर में पात्र फैलाते हैं उस समय ध्यान दे, आहार मेरे लेने के योग्य है कि नहीं, लेने के योग्य है कि नहीं, एक नहीं है कि नहीं, एक नहीं, एक नहीं का मतलब ग्रहण करने के योग्य है कि नहीं, इसका चिंतन करके फिर ले। लेना ही हमारा काम नहीं, देना ही आपका काम नहीं, तो क्या है, ऐसा लेना और ऐसा देना, ये आपका काम होना चाहिए, ये चिंतन के लिए करें। फिर ये सोचें
कि मेरे इस लेने में किसी दूसरे को बाधा तो नहीं होगी, मैं ले लेता हूं तो घर के इतने लोग खाने वाले हैं उनको कोई तकलीफ तो नहीं होगी, तकलीफ महसूस तो नहीं होगी। मानो किसी श्रद्धालु भाई बहन ने आग्रह पूर्वक सारी वस्तु आपको दे दी, खाने वाले एक तो नहीं है वो, और भी दूसरे हैं, बाद में वो आएंगे, कहीं आलोचित बने कहां गई। अब संतों को बता दी, अब स्वामी से बोलेगा नहीं वो शायद कुछ, वो सोचेगा तो मैंने खास तो ऐसी वो चीज बनाई थी, सब किसने बता दी न बोले, किन्तु मन में तकलीफ हो सकती है। वैसी हालत में हमारा वह सब लेना दूषित हो जाएगा, शहर लेना। जहां तक कोशिश करें हम लोग, कोई भी विशेष वस्तु हो उसको पूरा लेने का प्रयत्न करें ही नहीं, आधे से काम कराए, हमारा भी काम हो जाए, उनको तो तकलीफ नहीं हो। साधु साधियों को इस सब का पूरा ध्यान रखना चाहिए। याद रखो, हमारी गौचरी है, गर्धवचरी नहीं है। गौचरी गर्धवचरी दो शब्द हमारे। गौचरी का मतलब क्या है? गौ चरती है, पूरे खेत में चलेगी, किसी बूटे को पूरा नहीं खेलेगी, एक बगल ली चली, फेर लिया फिर चली, चलती जाती चलती जाती है। और कहते गधा जब चलता है तो पूरा ही खेल लेता है, फूक दे खेल लेता है। तो हमारी चरिया गौचरी है, गर्धवचरी नहीं, इसका याद रखे हम लोग। देखिए आज ये तो वस्तु बड़ी अच्छी है, गरम गरम है, खूब है, पूरा पत्थर हो गया, मतलब ले सकते हो। हमारे सारे किसी देने में बड़े होशियार हो, अच्छे समझदार है, सारे निकलेगा। पथ्य चीज है, ग्रहणीय चीज है, स्वादिष्ट चीज है, विशेष चीज है, जहां तक बन सके हथमनवार से आधी से ज्यादा मतलब, इसे क्या होगा, बड़ी अच्छी बात होगी। गृहस्थों की भावना बढ़ेगी और अपने कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसा का सवाल है। श्रावकों को ध्यान रखा जाए, साधु संत को बुला लिया, अब उसकी पूर्ति ना करे, अब उसकी पूर्ति करोगे आप दोस्त के भागी बन जाओगे, वरना उतना ही दो जितनी से आप काम करा सको। बड़ी गहरी बात सुनने की बात ऐसी, बहने भी उतना ही दे जितने से घर का काम चल सके, आप आग्रह को पूरा दे दो और क्या है फिर बना लो, ये दोष हो जाएगा, देने में लाभ नहीं होगा, पूर्ति मत करो फिर। ये दूसरी बात है, घर में मेहमान आ गए फिर दूसरे पाहुनी आ गए, वो अलग चीज है। शायद घर की उतनी है तो साधु संतों में उसकी पूर्ति करोगे, पश्चात संतोष हो जाएगा, ध्यान रखा जाए। इसी तरह से अनेक प्रकार की दोषों की चीजें है, साधु संत ध्यान रखे, आहार पानी कपड़ा आदि सब चीजों में ध्यान रखा जाए। कैसा है फिर साधु को सोचना चाहिए, वस्त्र भक्त मेरे पास में है उनको कैसे रखूं, विचार पूर्वक संयम पूर्वक रखूं, बिखरे हुए नहीं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं पड़ा है। संयत प्रतिलेखन का मतलब यह है कि सबको समय के ठीक रख दो, ताकि उसमें कोई ये तत्व पड़ा बिखरा हिंसा न करे। उत्सव का काम वो भी ऐसा ध्यान रहे, उत्सव तो सही करना होगा, काम तो होगा ये, अगर भोजन होगा तो उत्सव भी होगा, अनिवार्य चीज है ये। ऐसे स्थल पर हो, ऐसी विधि से हो जिसमें किसी को तकलीफ नहीं हो, किसी को बुलानी नहीं हो और अपना काम हो जाए, ये विधियां हैं। और ये बड़ा कठिन काम है, आज के जमाने में जो जमाना चला जा रहा है, ये जादू उतरिया बड़ी कठिन हो रही है, बड़ी मुश्किल की चीजें हैं, फिर भी आखिर शरीर का काम करना पड़ेगा, छूटेगा नहीं। भगवान ने शास्त्र में कहा है, उत्सर्ग कहां करो जहां हरियाली नहीं हो, जहां पानी नहीं हो, जो बीज नहीं हो, जो धूप आती हो, वैश्विक उत्सर्ग करो, और जहां किसी को तकलीफ नहीं हो, उधर फिर जगह नहीं मिले तो जहां मिलेगा करो, हरी बिना नहीं मिले तो हरियाली पर करो, और नहीं मिले तो नीलो फूल पर कर सकते हो, पानी में कर सकते हो। बेक को रोको मत, बेक को रोकना नहीं है, वो असंयम है। यही कारण है किसानों को नदी पार करना है, हरियाली को पार करना पड़ता है, सब्जी को पार करना पड़ता है, और लीर फूल को पार करना पड़ता है, ये अनिवार्य चीजें हैं, सही रूप में नहीं। इसलिए मैं मानता हूं ये ऐसा कार्य है, इसमें शरीर की आवश्यकता के लिए कुछ भी उचित सीमा में काम करना पड़ता है।
सर्वत्र कठिनाइयां है, इन कठिनाइयों पार करने के लिए साधुओं को अपने संयम पूर्वक अपने संघीय विधि के अनुसार काम करना पड़ेगा। मन को गुप्त रखें, वाणी को गुप्त रखें, काय को गुप्त रखें, ये सब चीजें और प्रतिलेखन प्रतिक्रमण ये हमारी चर्या है, रोजमर्रा की चर्या है। विधि से हो प्रतिक्रमण कैसा होता है, सब पंक्ति पर बैठते नहीं बैठते हैं, प्रतिलेखन ठीक से होता है नहीं होता है, प्रतिलेखन कब होता है, इस विधि से जानते हैं। इसके साथ साथ में किंतु विहार, एक प्रतिलेखन एक आहार, तीन बातें। प्रतिलेखन होना चाहिए प्रकाश मिलने की, प्रकाश हो जाए तब, विहार में तब हो सकता है, गोची नहीं होती जब तक सूर्य न निकल जाए। प्रतिलेखन प्रकाश हो गया अब कोई दिक्कत की बात नहीं, विहार में प्रकाश भी कर सकते हम लोग, सूर्योदय से पहले विहार कर सकते हैं कुछ देर, प्रकाश हो जाए तो प्रतिलेखन कर सकते, गोची नहीं कर सकते, पूरा सूर्य निकलने बारे गोची होती है, ये हमारी विधियां हैं इनका पूरा ध्यान रखे। अब क्या होता तो प्रकाश हो गया महाराज गोची वाले, गोची कैसे कर ले, विधि नहीं है, उग गए सूर्य, सूर्य उगने के बाद में गोची हो सकती है, इन सब विधियों का साफ साफ ध्यान रखे। तो अर्घ बलना होती है, अर्घ बलना भी एक हमारी चर्या का अंग बन गया है, उस अर्घ बलना में सब साधु साधियां समृद्ध तो होती है नहीं होती है, होती है एक से स्थान में नहीं बैठते हैं, सब पंक्ति पर बैठते हैं नहीं बैठते हैं, सभी साधु साधियां बलनासन में बैठते हैं नहीं बैठते हैं, जिलासन तो नहीं, आस्था नहीं करते हैं, परमार्थ तो नहीं करते हैं, ये सब ध्यान रखना चाहिए। साक्ष साधन को भी उसमें समृद्ध होना चाहिए, पूरी विधि से काम करना चाहिए, इस सारी चीजों का हम पूरा ध्यान रखें। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं कि भिक्षु स्वामी का शासन हमको मिला है, जैन शासन और जैन शासन में भिक्षु शासन क्या फर्क है, तो कुछ नहीं, जैन शासन ही है, जैन धर्म ही है, पर जैन धर्म के अनेक संप्रदाय बन गए, उनमें एक संप्रदाय हमारा तेरापन संप्रदाय है, भिक्षु शासन है, जिसको हम भिक्षु स्वामी का शासन कहते हैं। क्यों, भिक्षु स्वामी ने एक नए ढंग का एक तरीका हमको दिया, एक पद्धति हमको दी, एक विधि हमको दी, इसके कलाम भिक्षु शासन हो गया, तेरा पंथ हो गया। ये अन्य संघों से अन्य शासनों से अपनी पहचान पृथक अलग रखता है, आज इसकी पहचान एक तेरा पंथ है, हमारे मालवणी जी है दर्शो मालवणिया, वो लादो में खड़े हुए और वो बोले आज तो तेरा पंथ जैन धर्म की पहचान है, तेरा पंथ हम देखते हैं तो हाँ ये जैन ही है, तेरा पंथ और जैन पर्याय बन गए, पर्याय अच्छी बन गई, पहचान हो गई। आज बुक पत्ति बनने तेरा पंथ साधु दिल्ली बम्बई में जाते हुए जैन साधु है, बाकी के दूसरे धर्म को समझते हैं पहचानते नहीं, कौन है ये, इतना बड़ा काम हुआ है कि तेरा पंथ जैन धर्म की पहचान बन गया है, बल्कि धर्म की पहचान बन गया है, बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके अलावा स्वामी जी ने बड़ा विलक्षण काम किया कि उन्होंने समूचे संघ को बिल्कुल व्यवस्थित बना दिया, इसलिए हम गाया करते हैं, स्वामी जी रो शासन माने भैरो सुहावे, स्वामी जी रो शासन धीरे प्रभु जीरो आसन माने भैरो सुहावे, क्यों मर्यादा मय जीवन सारो मर्यादा रो माने, मर्यादा मय जीवन सारो मर्यादा रो, आत्मनियंत्रण और अनुशासन, आत्मनियंत्रण है शासन स्थान माने भैरो स्वामी जी लो शासन माने।
वीर प्रभु रो सिंहासन मारे इसकी विशेषता क्या है एक आचार्य एक समाचारी एक प्ररूपणापन्थ एक आचार्य एक समाचारी एक प्ररूपणापन्थ ओ नूतन अद्वैत निकाय ओ नूतन इसमें क्या होता है आप देखिए शिवा भावी सुबनी तारो बढ़े सहज बहुमान शिवा भावी सुबनी तारो बढ़े सहज खेतसी तथा राय चंद्र ओ खेतसी तथा यो प्रत्यक्ष प्रमाण माने स्वामी जी